वेलकम बैक टू माय चैनल एमएस स्टडी फॉर सीबीएसई पैटर्न टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट आर एस अग्रवाल ऑफ क्लास एट सो टुडे वी विल कवर चैप्टर वन रेशनल नंबर्स तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी नॉट इक्वल्स टू जीरो आर नंबर्स, नंबर्स ठीक है? तो कौन से होते हैं जो ए अपॉन बी की फॉर्म में होते हैं जहां पर ए और बी कोई भी इंटीजर हो सकते हैं ठीक है इंक्लूडिंग जीरो बट जो बी है यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए ठीक है ऐसे ही नंबर को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं जैसे एग्जांपल्स में हम देख लेते हैं

जिनके दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम साइन के साथ हो यानी कि या तो दोनों ही पॉजिटिव हो या तो दोनों ही नेगेटिव हो उन्हें हम क्या बोलेंगे पॉजिटिव रेशन नंबर्स जैसे कि फाइव बाई सेवन दोनों ही पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव हो गया ये माइनस टू बाई थ्री मतलब माइनस टू बाई माइनस थ्री तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा या फिर दोनों ही सेम साइन के हैं तो दोनों ही के दोनों फ्रैक्शन जो हमें यानी कि रेशन नंबर्स दे रखे हैं वो क्या है पॉजिटिव रेशन नंबर्स हैं ठीक है थीके? उसके बाद आ जाइए नेगेटिव नंबर्स पे तो नेगेटिव नंबर्स कौन से होते हैं तो पॉजिटिव होगा अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर नेगेटिव होगा है ना या फिर न्यूमरेटर पॉजिटिव और डिनोमिनेटर नेगेटिव जैसे यहाँ पे देखें माइनस फोर बाय ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है फाइबर माइनस ट्वेल्व ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है यानी कि दोनों के साइन है ना अपोजिट होने चाहिए तभी वो क्या कहलाएंगे नेगेटिव रेशनल्स ठीक है उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी है रेशनल नंबर्स की नंबर वन प्रॉपर्टी है आपकी इफ ए अपॉन बी इज रेशनल नंबर एंड एम इज अरोन बी कोई भी आपको रेशनल नंबर दे रखा है और उसके साथ एक एम नंबर दे रखा है जो कि क्या है नॉन जीरो यानी कि जीरो नहीं है तब क्या होगा ए अपॉन बी जो है वो किसके इक्वल होगा ए इंटू एम अपॉन में बी इंटू एम ठीक है जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आपको दे रखा है माइनस थ्री अपॉन फोर यानी कि अगर हम इस नंबर को किसी सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू इसकी जो भी आएगी वो क्या होगी एक तरीके से इसके इक्वल ही होगी क्योंकि ये सारे नंबर हमारे क्या बन जाएंगे इक्विवेलेंट जैसे माइनस थ्री बाई फोर को टू से मल्टीप्लाई किया फिर थ्री से फिर फोर से तो हमारे पास क्या नंबर आएंगे माइनस सिक्स बाई एट यहाँ पे माइनस नाइन बाई ट माइनस ट्वेल्व बाई स इनकी शॉर्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो वो एग्जैक्ट माइनस थ्री बाई फोर ही होगी ठीक है सच रेशनल नंबर आर कॉल्ड इक्वी वैल रेशनल नंबर ठीक है इस तरीके के रेशनल number, नंबर्स जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स मीन इनकी वैल्यू जो है वो इक्वल है आपस में प्रॉपर्टी नंबर टू क्या है इफ ए अपॉन बी इज अ रेशनल नंबर इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड देन ए अपॉन डिवाइडेड बाय एम अपॉन बे बी डिडेड बाई एम यानी कि ए अपॉन बी आपको रेशनल नंबर दे रखा है और कोई भी एक नंबर एम दे रखा है जिसको हम जिसे हम दोनों को डिवाइड करें तभी हमारा आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा ठीक है यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लिखा माइनस तो को हमने जब 8 से डिवाइड किया तो आये, यानि कि ये वाला नंबर ठीक है स्टैंडर्ड तो हाँ फॉर्म को हम शॉर्ट फॉर्म भी बोलते हैं ठीक है यानी कि एक ऐसा रेशनल नंबर जिसको हम फर्दर और छोटा नहीं कर सकते या किसी सेम टेबल से डिवाइड नहीं कर सकते ठीक है नंबर ए अपॉन बी इज सेट टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन डिवाइजर अदर देन वन एंड बी इज पॉजिटिव ठीक है यानी कि जब हम ए और बी यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एसिफ निकालेंगे तो एसिफ उसका वन के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा ठीक है मल्टीप्लाई तो करके इनके साइन चेंज कर देते हैं बिकॉज हमें जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव चाहिए ठीक है तो यहाँ पे अब जब हमने इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस थर्टी थ्री अपॉन फोर्टी फोर आ गया यानी कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव हो गया अब यहाँ पे हम क्या करेंगे फोर्टी फोर और थर्टी थ्री इन दोनों का कॉमन डिवाइजर निकालेंगे वो भी ग्रेटेस्ट यानी कि एस एफ निकालेंगे ठीक है तो एस एफ इनका निकलेगा इलेवन तो इनको हम क्या करेंगे दोनों को इलेवन से डिवाइड करेंगे इलेवन से डिवाइड करने के बाद आया माइनस थ्री अपॉइन फोर अब थ्री और फोर का यहाँ पे वन के अलावा कोई दूसरा कॉमन डिवाइजर नहीं निकल रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस थर्टी थ्री अपॉन फोर्टी फोर इक्वल्स टू माइनस थ्री अपॉन यानी कि ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर शॉर्ट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं वो आ गई है ठीक है उसके बाद आ जाइए प्रॉपर्टी नंबर थ्री पे प्रॉपर्टी नंबर थ्री आपसे क्या कर रही है लेट ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी बी टू रेशन नंबर बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी ठीक है हमने क्या किया दो रेशन नंबर्स लिए हैं ए अपॉन बी और सी अपॉन डी ये दोनों आपस में कब इक्वल होंगे जब हम इनके क्रॉस वाले नंबर्स को यानी कि ए को डी से और बी को सी से मल्टीप्लाई करें और इनकी वैल्यू जो है वो आपस में क्या है इक्वल है, है ना? उसके बाद है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स तो रेशनल नंबर्स को कंपेयर करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कम से कम दो चीजें एवरी पॉजिटिव रेशन नंबर इज ग्रेटर देन जीरो है ना जितने भी पॉजिटिव रेशन नंबर्स होते हैं वो जीरो से क्या होते हैं बड़े होते हैं एंड एवरी नेगेटिव नंबर इज लेस देन जीरो और जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं जीरो से छोटे होते हैं तो अगर हमें कंपेयर करना है रेशनल नंबर्स को आपस में तो उसके लिए हमें कुछ यहाँ पे स्टेप्स फॉलो करने हैं नंबर वन स्टेप है आपका एक्सप्रेस ईच ऑफ टू गिवन पॉजिटिव डिनोमिनेटर यानी कि जितने भी हमें रेशनल नंबर्स दे रखे हैं सबसे पहले हमें उन्हें क्या करना है डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना लेना है उसके बाद है स्टेप ले वन में मिला था विद एल्सियम एज अ कॉमन डिनोमिनेटर ठीक है यानी कि हमें क्या करना है जो भी हमारा एल्शियम निकला है उस एल्शियम के साथ हमें सारे डिनोमिनेटर्स को राइट करना है ठीक है उसके बाद स्टेप नंबर फोर क्या है द नंबर हैविंग द ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर यानी कि जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही नंबर सबसे बड़ा होगा यानी कि रेशनल नंबर वही बड़ा होगा जैसे कि यहाँ पे देखिए विच ऑफ द नंबर थ्री अपॉन माइनस फोर और माइनस फाइव बाई सिक्स इज ग्रेटर सबसे पहले हमें क्या करना है हमारा जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव बना लेना है तो पहला नंबर हमें दे रखा है थ्री अपॉन माइनस फोर तो इसको वन से मल्टीप्लाई करके इसका डिनोमिनेटर हमने सबसे पहले पॉजिटिव बनाया ठीक है फिर तो दूसरा नंबर है हमारे पास माइनस फाइव बाई का जो हमने एलसीएम लिया है वो कितना आएगा ट्वेल्व तो अब हमें क्या करना है इसके डिनोमिनेटर को ट्वेल्व बनाना है तो माइनस थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे और फोर को थ्री से क्योंकि फोर ट्वेल्व होता है इसलिए थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को तो ये हो जाएगा आपका माइनस नाइन और ये हो जाएगा आपका माइनस टेन बाइ ट अब माइनस नाइन और माइनस टेन में कौन सा बड़ा हुआ माइनस नाइन तो माइनस नाइन वाला बड़ा हुआ यानी कि आपका जो माइनस थ्री अपॉन फोर है वो ग्रेटर है ठीक है तो यहाँ पे इन्होंने आपको बता दिया माइनस नाइन बाई ट्रेटर टेन बाई ट्री बाई फोर इज ग्रेटर देन माइनस फाइव बाई स इट मीन्स जो हमारी रियल वैल्यू थी वो हमारी क्या है थ्री बाई में माइनस फोर जो है वो बड़ी है किससे माइनस फाइव बाई स ठीक है तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और इसके बाद ही मैं आपको इसके साथ लेकर आती हूँ एक्सरसाइज वन ए एक की वीडियो ठीक है तो जब तक मैं आपके लिए एक्सरसाइज बने की वीडियो लेकर आती हूँ तब तक आप इसे अच्छे से देख लीजिए समझ लीजिए ताकि आपको एक्सरसाइज करना इजी हो जाए तो जब तक वीडियो आती है तब तक लेटा डा बाय हैव नाइस टेक केयर